दोस्तों वेलकम टू धमाका स्टॉक चैनल। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और हो सके तो बेल आइकन में भी क्लिक कर लीजिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं अपलोड के बाद ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन चला जाए। और एक बात, पूरा वीडियो सुनने के बाद अगर आप लोगों को कुछ भी अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप लोगों का एक लाइक मुझे हर रोज अच्छा अच्छा शेयर ढूंढ के उसके ऊपर वीडियो बनाने के लिए एनर्जी देता है। अभी आ जाएंगे मेन टॉपिक पे। आज हम लोग बात करेंगे डॉलर इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में। तो ये शेयर आपका फ्राइडे को क्लोज हुआ है 436.80 पे और उस दिन ये हाई गया था 447 पे, लो गया था 431 पे। ओके, और इसका जो 52 वीक्स हाई है वो आपका 463.10। फिनस्टार ने इस कंपनी को 4 out of 5 का रेटिंग दिया है जो बहुत ही अच्छा है। इसका जो टोटल मार्केट कैपिटल है वो आपका 2477.36 करोड़। ओके, और इस कंपनी के ऊपर आपका डेट थे 124.02 करोड़, मतलब इसका जो डेट इक्विटी रेशियो आ रहा है वो आपका आ रहा है 0.23। किसी भी कंपनी का अगर डेट इक्विटी रेशियो 1 और 1 से कम होता है तो हम लोग उसको अच्छा मानते हैं और यहाँ पे 1 से कम ही है। प्रोमोटर होल्डिंग इस कंपनी में है आपका 72.91%। किसी भी कंपनी का अगर प्रोमोटर्स होल्डिंग 40% से ज्यादा होता है तो हम लोग उसको अच्छा मानते हैं, यहाँ पे 40% से ज्यादा ही है। और एक अच्छा बात है कि ये जो 72.91% प्रोमोटर्स होल्डिंग है इसमें आपका कुछ भी शेयर प्लेज नहीं है। अर्निंग पर शेयर है आपका 16.57, रिटर्न ऑन इक्विटी है आपका 17.32%, आरओसी आपका है 18.84%, प्रॉफिट ग्रोथ इस शेयर में इस साल आपका हुआ है 46.80। ओके, और इसमें एक अच्छा न्यूज भी है, देखिए मैं थोड़ा सा आप लोग स्क्रीन पर दिखा देता हूँ। सुपर इन्वेस्टर अजय उपाध्याय सर ने इस कंपनी में 26.86 करोड़ का इन्वेस्ट करके मतलब होल्डिंग करके रखा है, जो सितंबर तक का जो डेटा मिल रहा है उस हिसाब से। तो अभी हम लोग सीधे चले जाएंगे चार्ट पे। तो पहले क्या करेंगे, बिना इंडिकेटर लगा हुआ चार्ट देखेंगे, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं बिना इंडिकेटर लगा हुआ चार्ट में हम लोगों को किसी भी शेयर अपटर्न में है कि डाउन टर्न में है वो क्लियरली समझ में आता है। तो देखिये, ये शेयर आपका इसी साल लगभग आपका मई महीने में चल रहा था 2237 और अभी चल रहा है 436.37, मतलब लगभग 200 रुपए का, अब 200 रुपए बढ़ गया है, तो एक बहुत ही बड़ा अमाउंट है। अगर आप चार्ट देखेंगे यहां से यहां तक तो क्लियरली आप लोगों के अप ट्रेंड दिखेगा। ओके, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसका थोड़ा सा इंडिकेटर लगा हुआ चार्ट भी देख लेंगे। तो देखिए, यहाँ पे मैं सुपर 10 ने 2 दिन पहले एक बाय सिग्नल लिया था, फिर थोड़ा बहुत शेयर गिरा, लेकिन पिछले दिन थोड़ा मूवमेंट हुआ। RSI भी देखिए 60 का लेवल पे है लगभग, और MACD एकदम न्यूट्रल है, मतलब डे चार्ट खूब खराब नहीं है, हम लोगों को पॉजिटिव ही दिख रहा है। अभी हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा इसका वीकली चार्ट भी एक बार देख लेंगे। तो देखिए, मैंने अभी यहाँ पे वीकली चार्ट ओपन कर लिया है। अगर ध्यान से देखिएगा इस जगह पे, ये आपका था पिछले साल नवंबर का महीना, तो पिछले साल यहाँ पे शेयर आपका चल रहा था 145, तो तब से ये शेयर कॉन्टिन्यूसली अप ट्रेंड है। यहाँ पे थोड़ा बहुत गिरावट आया, फिर से इस जगह पे आपका इसी साल मई के महीने में सुपर 10 ने बाय सिग्नल दिया और तब से ये शेयर ऊपर की तरफ जा रहा है। और एक अच्छी बात है, देखिए इस जगह पे आपका 200 डेज और 50 डेज मूविंग दो एवरेज है, इस दोनों मूविंग एवरेज के बीच में एक आपका क्रॉसओवर हो चुका है, और जब भी ऐसा क्रॉसओवर होता है शेयर ज्यादातर ऊपर की तरफ जाता है। RSI भी अबव 60 और MACD भी 0 पॉइंट से ऊपर है, तो मेरे हिसाब से वीकली चार्ट में हम लोगों को क्लियरली पॉजिटिव सिग्नल दिख रहा है। अभी हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा इसका मंथली चार्ट भी देख लेंगे, उसके बाद फाइनल क्या करना है वो बताएंगे। तो मंथली चार्ट एक बार ओपन कर लेते हैं। ओके, तो देखिए मंथली चार्ट यहाँ पे मैंने ओपन कर लिया है। अगर ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, मतलब पिछले साल नवंबर में मंथली चार्ट के हिसाब से सुपर 10 ने एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बना के बाय सिग्नल दिया था, तब से ये शेयर लगातार ही ऊपर की तरफ जा रहे हैं। थोड़ा बहुत गिरावट आया था, लेकिन कोई भी शेयर देखिए एक बार से तो बढ़ता नहीं, थोड़ा गिरता ज्यादा बढ़ता, एक अपट्रेंड हम लोगों को क्लियरली मंथली चार्ट के हिसाब से दिखाई दे रहा है। ओके, और यहाँ पे देखिए RSI जी आपका 60 पॉइंट से ऊपर है, मतलब क्लियरली पॉजिटिव है। आपका MACD देखिए 0 पॉइंट से ऊपर है और ज्यादातर आपका ग्रीन कैंडल बन रहा है, और लास्ट 2 महीने से यहाँ पे पॉजिटिव कैंडल ही बना है, मतलब मंथली चार्ट के हिसाब से क्लियरली पॉजिटिव कैंडल बन रहा है। अभी हम लोग थोड़ा सा फिर से चले जाएंगे डे चार्ट में, क्यों जाएंगे मैं बता रहा हूँ। देखिये, ये आपका डे चार्ट के हिसाब से भी पॉजिटिव ही है, आपका वीकली चार्ट के हिसाब से भी पॉजिटिव है, और मंथली चार्ट के हिसाब से भी ये आपका पॉजिटिव ही है। ओके, और फंडामेंटल भी इसका अच्छा ही है। ओके, अभी हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे, मैं वही चीज आपको बता रहा हूं। तो देखिए, मैंने यहाँ पे 2 आपका पर्पल कलर का लाइन ड्रॉ किया, 2 ट्रेंड लाइन इसको बोला जाता है। तो ए एक है आपका इसका इस शेयर का सपोर्ट लेवल और ए है आपका रेसिस्टेंस लेवल। शेयर फंडामेंटल भी अच्छा है, टेक्निकली भी अच्छा है, लेकिन जब तक ये शेयर इस जोन पे है, मतलब 465 से लेके इस जोन पे है, इसका आपका 410 पकड़ लीजिए, इसी जोन पे हम लोग अभी कुछ नहीं करेंगे।
हम लोग थोड़ा सा वेट करेंगे। इधर ए शेयर जब 410-411 के लेवल पे आएगा तो हम लोग बाई करेंगे, नहीं तो थोड़ा सा वेट करेंगे। एक बार इसको 407-65 का जो लेवल है इसको थोड़ा सा, मान लीजिए 460 भी पकड़ लीजिए, 460 का जो लेवल है इसको थोड़ा सा क्रॉस करने तक वेट करेंगे। एक बार ए शेयर 460 क्रॉस कर जाए और उसके ऊपर क्लोजिंग दे, और ये जो क्लोजिंग है मिनिमम एक दिन इसका ऊपर ही ट्रेड करता रहे, तभी हम लोग इस शेयर में फेस एंट्री करेंगे। अगर आप लोग पहले से खरीद कर रखे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर फेस एंट्री करना चाहते हैं तो 460 के ऊपर, मेरे हिसाब से 460 के ऊपर अगर क्लोज दे और अगला दिन भी 460 के ऊपर एक शेयर आपका ट्रेड करे और उस दिन भी 460 के ऊपर ही क्लोज दे, तो आप लोग इसमें फेस एंट्री कर लीजिएगा। लेकिन कुछ भी एक्शन लेने से पहले आपका जो फाइनेंशियल एडवाइजर है उससे जरूर एक बार कंसल्ट कर लीजिए, क्योंकि मैं कोई सेवी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूं और मैं यहाँ पे किसी भी तरीके का कुछ भी टिप्स नहीं देता हूं। तो मैं क्या करता हूं, मेरा जितना टेक्निकल और फंडामेंटल का नॉलेज है उसके ऊपर बेस करके वीडियो बनाकर जस्ट आप लोगों को इन्फॉर्म करने की कोशिश करता हूं कि कौन सा शेयर फंडामेंटली कैसा है, कौन सा शेयर टेक्निकली कैसा है। धन्यवाद।